से ही हमें इंसानियत पकड़ पड़ती है और हमें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है। पुराने लोग कहते हैं कि हम बोल बोल के जितना लोगों तक मैसेज आगे बढ़ाते हैं हमारे जीवन में वैसे वैसा सुधार होता है। तो हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, सबको अवेयर करना है कि बेजुबानों को मारे नहीं, दो रोटी दें, उनका ध्यान रखें, है ना। क्योंकि ये जो बेजुबान होते हैं ये कभी बोल के आपको नहीं बताते, आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। या ये कभी भी किसी भी आपने देखा हो डॉक्टर वगैरह को छोड़ सकती है, उसके लिए कोई हॉस्पिटल तो जा नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि मेरी हालत ये है। ये आपको हमारा फर्ज बन जाता है कि वो बोल नहीं पा रहा है, वो खुद की मदद कर नहीं पा रहा है, तो हमें उसका साथ देना है ना। ये इंसानियत का सबसे बड़ा मैसेज है और हर धर्म में एक चीज सिखाई जाती है, इंसानियत। तो हमें हमारे धर्म को भी और इंसानियत एक अलग रखना है और आगे सबको ये मैसेज पहुंचाना है। तो कभी भी हमें किसी भी बेजुबान को रोडों पे नहीं छोड़ना ना। आए दिन के साथ है कि आज हमारा हमारा डॉक्टर ने ये परेशानी हुई तो हमें रोड पे छोड़ दिया। ऐसे ही इंसानों के साथ होता है, जब बुजुर्ग कोई भी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसको हमारी जरूरत होती है, है ना, हमारी जरूरत से हम उसको ख्याल रखते हैं, ऐसे उनको भी रोड पे छोड़ दिया जाता है। तो इंसान और जानवर में दोनों में सेम सेम ही हो रहा है आज। उसकी वजह क्या है? इंसानियत की कमी, है ना। तो हमें अपने दिल में जो इंसान जो मर चुका है उसको जगाना है, उनको चाहे हमारे घर का बुजुर्ग हो चाहे एनिमल, हमें उनको रोड पे नहीं छोड़ना जब उनको हमारी जरूरत है। अभी बहुत लेट हो गए तो मेरे पास तो कमी नहीं होगी बातें, बस ये ध्यान रखना है कि हमें चीज़ को आगे बढ़ाना है। हमारा तो हो चुका, हमें लोग गालियां भी देते तब भी हम मुस्कुराते हुए अपना काम करके निकल जाते। कोई हमें मना भी करता है किस हक से हमारे घर के सामने डाल दो तो हम ये नहीं बता पाते कि भाई हमारा घर भी बहुत बड़ा है, लेकिन आपके घर के बाहर बहुत भूखा मर रहा है ये आप तो शर्म मान लीजिए, हमें नहीं। हम तो दूर से चल के उनको खिलाने आ ही जा रहे हैं। एंड प्लीज इनके वर्क को और भी मेरे जैसे जो है उनके वर्क को आप लोग प्रमोट करें, प्रमोट नॉट इन द सेंस ऑफ योर लैंग्वेज, प्रमोट इन द सेंस दैट लोगों को जानने दीजिए कि ऐसे भी लोग हैं जो अपना पर्सनल लाइफ छोड़ के और सिर्फ बेजुबान और नीडी लोगों के लिए हेल्प करते हैं ताकि और लोग इनके साथ जुड़े, ठीक है। आगे भी आपसे इसी तरह के सहयोग की आशा है, हमको पकड़ के ना लाना पड़े, आपके पास नोटिस पहुंचेगा तो आप लोग प्लीज नेक्स्ट टाइम जब हम दोनों आएंगे, क्योंकि हम तो मैम को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको बार बार बुलाए, और टॉपिक्स हैं अभी तो बहुत बच गए हैं, 20 बच गया है, अभी तो मेजर वाले बच गए, है ना। कभी क्योंकि आप लोगों की क्लास है, परीक्षा है ना, फिर अपन बुलाएंगे, एक 3-4 घंटे की वर्कशॉप रखेंगे। हाँ, और एक बात सुनो, क्या होता है कि जैसे मुझे भी कहते हैं कुत्तों से बड़ा प्यार है, तो भैया कुत्तों से एनिमल से प्यार है, लेकिन हम तो आपको भी प्यार करते हैं, हम तो बच्चों को भी यही है, मेरे तुमसे भी बहुत प्यार है। देखिए अगर अनाथालय और वृद्धाश्रम जैसी चीजें हमारे सोसाइटी में आ गई हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, जहाँ हम ना माँ बाप को रखना चाहते हैं ना बच्चों को रखना चाहते हैं। तो वहां तो एनिमल्स की दुर्गति होनी ही है, वो क्या उनको समझेंगे। बट आप अपने आप को जब आईने में देखें तो यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम देम, राइट। Take care. And all the best for your examinations and stay connected.